हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपेटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और कुछ रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसको आप बोल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आप इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहो, क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड है, तो इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रेडियस वेक्टर। तो आप इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार भी लिख सकते हो। सेम वे से आप अगर सेंट्रीपेटल फोर्सेस को लिखना चाहो, जो कि एम ए सी है, तो आप उनको लिख सकते हो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। मतलब इनका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है टूवर्ड्स द सेंटर। अब मुझे जो बताना है ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं। व्हाट आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस? तो बच्चों, न्यूटन्स लॉ हमें मालूम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स? इट स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इट मींस कि अगर सेंट्रिपिटल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एक और फोर्स एक्ट होना चाहिए पार्टिकल पे, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा सर्कल है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है जो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है। इसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोल रहे हैं, जो बेसिकली उसको सर्कल में घुमा रहा है। तो पार्टिकल के ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स भी एक्ट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सी एफ से डिनोट करेंगे हम, सेंट्रीपिटल को सीपी से डिनोट कर लेते हैं। और ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो आर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सिर्फ माइनस साइन पुट करना है, बिकॉज दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, बाकी उनका वैल्यू सेम है। क्यों? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि इक्वल है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट है इसलिए डायरेक्शन अलग है। तो ये अपोजिट वैक्टर्स है और अपोजिट वैक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ये हमको मालूम है। तो फ्रॉम हियर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को लिख सकते हैं दैट दे आर इक्वल टू एम आर एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। मतलब ये कि इनका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। इनका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को आपने कहीं देखा है नेचर में? बहुत जगह पे वर्क करते हुए। एग्जांपल्स आप ले लो। पहला एग्जांपल, अगर आप कोई बस में हो, अ बस टेकिंग अ टर्न, अ बस टेकिंग अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर पाथ। बस अगर कोई सर्कुलर पाथ के अराउंड टर्न लेती है, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको सर्कल से आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। आप खुद खुद अगर कोई सर्कुलर पाथ में अगर आपकी बस टर्न ले रही है, कोई रोड है जहां पर आपकी बस को टर्न लेना है, आपकी बस टर्न ले रही है अगर सर्कुलर पाथ में, तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स आपके ऊपर एक्ट होगा जो आपको आउटवर्ड थ्रो करेगा, रेडियली आउटवर्ड, जिसको आप सुडो फोर्स भी बोलते हो। बेसिकली वही फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इन नेचर, इसका कोई ओरिजिन हमें नहीं पता, ना ग्रेविटेशनल, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ना वीक न्यूक्लियर फोर्स, ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये है क्या? इट्स अ स्यूडो फोर्स। इट राइजेस बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, मगर ये फोर्स एक्ट होता है, आप इसको फील कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने कभी ये क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन यूज किया होगा, सो जो क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में हम लोग जब उसके ड्रायर में हम डालते हैं, तो ड्रायर बेसिकली स्पिन होता है। जब ड्रायर स्पिन होता है तो क्या करता है, जो क्लोथ्स में वाटर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है बाहर की तरफ,
और इसीलिए वाटर पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं और क्लोथ ड्राई हो जाता है। मोशन ऑफ क्लोथ्स इन अ ड्रायर इन अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होते हैं बेसिकली वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, घूमने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं जो उनको बाहर की तरफ, जो बेसिकली बाहर की तरफ थ्रो कर देते हैं, और इसलिए क्लोथ जो है वो ड्राई हो जाता है, रेडियली आउटवर्ड थ्रो कर देते हैं। इसीलिए ड्रायर में देखो आप देखोगे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर पार्टिकल्स निकल के उस तरफ चले जाते हैं और अंदर जो है ड्राई क्लोथ रह जाता है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स है बहुत ज्यादा, आपने ये देखा होगा ये जो घी बनाते हैं हम लोग मस्के से, तो घी बनाने में क्या होता है कि हम बेसिकली एक रॉड लेते हैं उसको उसमें डाल के मस्के में डाल के हम उसको जो है स्विंग करते हैं उसको बेसिकली, तो उसके वजह से क्या होता है जो क्योंकि वो पूरा पार्टिकल्स जो पूरा मस्का है बेसिकली वो सर्कुलर मोशन में वो घूमता है गोल 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 गोल, तो जो घी पार्टिकल्स है उनके ऊपर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो क्योंकि घी पार्टिकल्स आर मासिव, घी पार्टिकल्स आर मासिव, इनका मास ज्यादा है, इसके लिए क्या होता है कि ये ज्यादा इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट होता है और ये कोने में पहुंच जाते हैं, एकदम कोने पे पहुंच जाएंगे और आप इजीली घी को सेपरेट कर सकते हो, घी पार्टिकल्स को, और उससे आप घी बना सकते हो। तो इन द मेकिंग ऑफ घी ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल्स आपकी बुक में नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड। Along a curved road. अगर किसी curved road पे आप turn ले रहे हो तो एक maximum safe speed है, अगर उस speed को आपने exceed किया तो आपकी गाड़ी skid हो जाएगी। ये हमारा curved road है for example। हमारी गाड़ी इधर है और ये स्ट्रेट लाइन में आगे मूव कर रही है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बेसिकली कर्व पाथ में, बट ये लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी सर्कल को और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है इन सर्कुलर पाथ। जो रेडियस है बेसिकली इसका सर्कल का रेडियस को आर ले लेते हैं हम। अब बॉडी मूव हो रही है विद वेलोसिटी वी, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है विद वेलोसिटी वी, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये ऑब्जेक्ट जब बेसिकली सर्कल में मूव हो रहा है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और वो है एम वी स्क्वायर बाय आर। कैसे? बिकॉज एम आर ओमेगा स्क्वायर को आप एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था ये एम ए सी होता है और एसी का दो फॉर्मूला है, एसी का एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर और एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। अगर आपने वी स्क्वायर बाय आर लिखा तो आप एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। अब बिकॉज ये फोर्स बाहर की तरफ गाड़ी को फेंक रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा इम्पेंडिंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली फ्रिक्शन एक्ट होगा और फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन। अब हम कंसीडर करते हैं गाड़ी को जरा स्ट्रेट रोड पे, इस तरीके से देखते हैं उसको, रोड स्ट्रेट है ना, गाड़ी को हम इस तरीके से देखते हैं। तो इस गाड़ी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो नॉर्मल जो ऊपर के डायरेक्शन में है और एक तो ग्रेविटी जो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच रही है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में। इसके लिए हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू एम जी, सेफली हम कह सकते हैं कि n और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और यहां पर
यहां पर ना तो अंदर ना तो बाहर हो, मतलब स्किड ना हो, ना तो अंदर आ जाए ना तो बाहर की तरफ स्किड हो, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि फोर्सेस कैंसिल आउट करना चाहिए। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि एन हमको मालूम है, एन कितना है, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। देयरफोर म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आप कैंसिल कर लो अब एम को, तो आपको मिल जाएगा म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, फ्रॉम देयर यू विल गेट वी इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ओके, मैंने रेडियस को कैपिटल आर लिया है ना, हाँ आप स्मॉल आर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने स्मॉल आर यूज किया फॉर्मूले के अंदर, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो हमने यहां से क्या देखा कि गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड रहना चाहिए, ये मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज फ्रिक्शन में जो यहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है, बेसिकली ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने मैक्सिमम लिया है, ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमने मैक्सिमम लिया, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद में फिर वो बढ़ता नहीं, और उसके बाद आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट मूव होना चालू कर देता है। फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है म्यू की और हमें मिल रहा है रूट म्यू आर जी, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, इट इज वी मैक्स। इस स्पीड से आप ज्यादा से ज्यादा इसी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा स्पीड करने की कोशिश करी तो आप स्किड हो जाओगे, आपकी गाड़ी बाहर निकल जाएगी सर्कल से। सो सेफ स्पीड क्या हुई फिर, तो सेफ स्पीड हो जाएगी वी मैक्स से कम या तो वी मैक्स के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो गई तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द सेफ स्पीड, बेसिकली द रेंज ऑफ सेफ स्पीड, आपको इस वैल्यू के अंडर ही चलाना है। एक एग्जांपल से आपको मैं इसको क्लियर करता हूं कि अगर मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड है 30 फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आर, और आप चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आर से, तो आप बेसिकली इससे कम हो, यस आपकी स्पीड जो है 30 से कम है, क्योंकि आपकी स्पीड 30 से कम है तो आप सेफ स्पीड में चला रहे हो। लेकिन अगर आप 30 से चलाओगे तो क्या होगा, अगर ये सेफ स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है बेसिकली, इसके ऊपर नहीं चला सकते आप, तो अगर आप 30 से चलाओगे तो आप मैक्सिमम सेफ स्पीड से चला रहे हो, लेकिन फिर भी खतरा है, इसमें खतरा है और इसमें खतरा नहीं है। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड वो स्पीड है कि जिस स्पीड के बाद गाड़ी स्किड हो जाएगी, ओके okay? और वो डिपेंड करता है म्यू पर, आप देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर मैक्सिमम सेफ स्पीड म्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यही हमारा टॉपिक है अभी नेक्स्ट, कि मैक्सिमम सेफ स्पीड जब म्यू पर डिपेंड कर रही है हम ये देख रहे हैं यहां से कि मैक्सिमम सेफ स्पीड बेसिकली इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रूट म्यू। तो अगर म्यू बढ़ जाता है कोई कारण से तो वी मैक्स का क्या होगा, वी मैक्स भी बढ़ जाएगा। इफ म्यू इंक्रीजेस वी मैक्स विल इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज गाड़ी का जो सेफ स्पीड है, सॉरी म्यू का इंक्रीज नहीं, म्यू का डिक्रीज, बिकॉज अगर उस पर कभी पानी आ जाए या कभी ऑयल आ जाए तो म्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर रोड पर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या लिया है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस, अगर किसी वजह से ऑयल या रेन या कभी वाटर हो उसके ऊपर, किसी भी वजह से अगर म्यू डिक्रीज हो जाए तो फाइनली क्या होगा, वी मैक्स डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है रोड की वो 30 है, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो 25 से, तो आप तो सेफ हो, अभी यहां पर आप सेफ हो, लेकिन अगर मान लो म्यू के गिरने की वजह से, बारिश की वजह से म्यू के गिरने की वजह से जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो 23 पे आ गई, अब आप किधर ड्राइव कर रहे थे,
आप 25 पे ड्राइव कर रहे थे, अचानक से ऑयल आ गया और मैक्सिमम सेफ स्पीड कम हो गई वो पर्टिकुलर रीजन में रोड के, तो क्या होगा, आप अनसेफ हो गए और आप अनसेफ भी हो गए और आपकी गाड़ी स्किड भी हो जाएगी। स्किड का मतलब होता है सर्कल को छोड़कर बाहर की तरफ स्लिप होकर निकल जाएगी एंड दिस विल कॉज एक्सीडेंट्स। ये नहीं होना चाहिए, हम अवॉइड करना चाहते हैं इसको। तो इसीलिए हमें मालूम पड़ता है कि म्यू को अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड को अगर पूरा का पूरा म्यू पे डिपेंड करने दिए तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हम क्या चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करना, वी वांट टू, तो क्या वे आउट है, क्या इलाज है इसका? तो इलाज ये है बेसिकली कि हम लोग रोड को बैंक कर देंगे, रोड को ऊपर की तरफ उठा देंगे। और ये बैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर हम बैंक कर देते हैं रोड को तो काफी हद तक के हम म्यू पर जो डिपेंडेंस है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का उसको कम कर सकेंगे। देखते हैं कैसे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग अ कर्व्ड, मिनिमम और मैक्सिमम दो दो चीज हम लोग निकालेंगे इसके अंदर, मिनिमम सेफ स्पीड अलोंग अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। कर्व्ड बैंक्ड रोड पर जो मिनिमम सेफ स्पीड है वो हम निकालना चाह रहे हैं। देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। इसको समझने की कोशिश करें पहले कि कैसे ये रोड बना रहा हूं मैं। ये हमारा ये रोड था हमारा, हम आउटर एज को थोड़ा उठा देंगे, आउटर एज को, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या, स्किडिंग का, गाड़ी बाहर की तरफ ना निकल जाए। तो हम अगर आउटर एज को उठा देंगे तो बाहर बाहर निकलना गाड़ी का कम हो सकता है बेसिकली। तो आउटर एज को उठा देंगे, इनर एज को हम लोग वही रखेंगे। तो ये बेसिकली कैसे हो जाएगा पता है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अगर रोड को यहां से मैं कट करके देखूं ऐसे तो रोड ऐसा दिखेगा कुछ, मतलब थीटा एंगल से मैंने रोड को उठा दिया है, ये साइड को, ये साइड से ये तुम्हारा रोड है, इस पर गाड़ी चलती है, गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है बेसिकली, ऐसे नहीं चल रही है क्योंकि कर्व्ड रोड है। मैंने तो इसका सिर्फ सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी बेसिकली अंदर की तरफ जा रही है। अंदर को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ कि गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। सो हम करते हैं बेसिकली थोड़ा कुछ काम, देखते हैं डेरिवेशन करके। ठीक है, ये हमारा रोड है, ये हमारा थीटा है और ये हमारी गाड़ी है उसपे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर की तरफ एक्ट होंगे, रेडियली आउटवर्ड। ओके, सर्कल बेसिकली गाड़ी तो अंदर की तरफ से टर्न ले रही है तो रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का जो कि है एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, अब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है एम जी, नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, याद रखना नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। फ्रिक्शन की तरह एक्ट होगा, तो फ्रिक्शन हमेशा इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। हमने मिनिमम सेफ स्पीड निकालना है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि गाड़ी नीचे ना आए, हम चाहते हैं कि गाड़ी नीचे नहीं आए। तो इंपेंडिंग मोशन किधर है, नीचे की तरफ है, ये तुम्हारा इंपेडिंग मोशन है। तो हम चाहते हैं गाड़ी नीचे की तरफ नहीं आए, तो मतलब फ्रिक्शन को हमको उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा डायरेक्शन है फ्रिक्शन का, इतना क्लियर है हमको। ओके, अब हम इसको जरा रिजॉल्व करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम रिजॉल्व करते हैं नॉर्मल को दो पार्ट में। चलिए, ये नॉर्मल है हमारा,
ये दो पार्ट में हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ये थीटा है बाय द वे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एंड सिंस ये एंगल थीटा है, सिंस ये एंगल थीटा है, तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा 90 डिग्री है बेसिकली। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा। आप ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट से समझ सकते हो उसको, ये ऐसे ऐसे फिर एक लाइन ऐसे फिर एक लाइन ऐसे, ये दोनों भी 90 डिग्री पे और ये दोनों भी 90 डिग्री पे। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है तो ये एंगल इसके बराबर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, और ये पूरा 90 डिग्री पे है ये दोनों बेसिकली, तो ये 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो 90 माइनस थीटा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा विच विल बी इक्वल टू थीटा। तो कोई मुश्किल नहीं है ये, आप समझ सकते हो आसानी से। थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो एंगल मैंने थीटा लिखा है वो थीटा है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि आपका ये कर्व्ड रोड था, बैंक रोड है, ठीक है, उसका सरफेस है और ये थीटा है। आपने नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर रखा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन नॉर्मल की है, ये थीटा है तो ये थीटा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, और क्योंकि यहाँ पर भी एक डायरेक्शन है और वो खुद जो है ये, क्योंकि हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये खुद पूरा परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो आपको प्लस थीटा आंसर बाहर देगा। इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर है। अब थीटा बराबर है तो जिस डायरेक्शन में थीटा वहां पर एन कॉस थीटा आ जाएगा, और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं है, रेजोल्यूशन वेक्टर का ऐसा होता है कि जिसके साथ थीटा हो जिस कंपोनेंट के साथ उसको कॉस थीटा देते हैं, जिसके साथ थीटा नहीं हो उसको साइन थीटा देते हैं हम। उसी तरीके से अब हम रिजॉल्व करेंगे म्यू एन को दो डायरेक्शंस में। म्यू एन को एक डायरेक्शन यहां देते हैं रेजोल्यूशन का, और एक डायरेक्शन यहां देंगे हम म्यू एन का। बाय द वे इसका भी थीटा जो है बेसिकली, क्योंकि ये थीटा है आप समझ सकते हो, और ये जो है बेसिकली 90 है, ये थीटा है, और ये भी देख लीजिए आप, ये म्यू एन जो है बेसिकली, क्योंकि फ्रिक्शन ये सरफेस के डायरेक्शन में ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा होने 90, ये थीटा होने की वजह से ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा विच इज थीटा अल्टीमेटली, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्लियर नहीं है बच्चों तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू एन कॉस थीटा, और ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू एन साइन थीटा। अगर आपने रेजोल्यूशन समझ लिया तो फिर बस कुछ और बचा नहीं, अब हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि गाड़ी इक्विलिब्रियम में है, इस यहां पर इक्विलिब्रियम में ना तो वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है ना तो वो नीचे की तरफ आ रही है बेसिकली, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, एक्स वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, ठीक है, वो अंदर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन में नहीं मूव हो रही है, ये एक्स है ये वाई है, ये डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है। तो लेट अस ट्राई टू इक्वेट, इक्वेशंस को हम जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ऊपर का डायरेक्शन है उसको हम इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा हम लोग x डायरेक्शन को इक्वेट कर लेते हैं पहले। सारे फोर्सेस जो x डायरेक्शन में टोटल मिला के जीरो होना चाहिए, तो जो राइट की तरफ फोर्सेस है वो लेफ्ट की तरफ के फोर्सेस को कैंसिल करेंगे। राइट की तरफ क्या है, mv स्क्वायर बाय r प्लस म्यू एन कॉस थीटा, वो n साइन थीटा को कैंसिल करेंगे। सो देयरफॉर हम यहां से लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, इसको वहां भेजेंगे तो हम लोग n कॉमन निकाल के यू कैन राइट दिस एज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आप देख सकते हो इसको यहां भेजने के बाद, और इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। उसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, सेकेंड जो है वो ऊपर और नीचे वाले को इक्वेट करेंगे। सो हम नीचे वाला फोर्सेज जो है उसको mg लेते हैं, और ऊपर का क्या फोर्सेज है, ऊपर फोर्सेज है n cos थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, वो नीचे के बराबर होगा ताकि ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव ना करे। इसमें से अगर हमने n कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हम ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड 1/2, तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
डिवाइडेड बाय एन टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आप एन को कैंसिल कर सकते हो, बेसिकली एम को भी कैंसिल कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, देयरफॉर वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन माइनस म्यू कॉस डिवाइडेड बाय कॉस प्लस म्यू साइन। इसके बाद हम एक स्मार्ट ट्रिक करने वाले हैं, वो है डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड बाय राइट साइड को डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे। अगर हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां तो हमने कुछ नहीं किया, तो वी स्क्वायर बाय आर जी, और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम। तो अगर हमने कॉस से डिवाइड किया तो पहला टर्म साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, दूसरे टर्म में कॉस से कैंसिल हो जाएगा, म्यू बच जाएगा, फिर यहां पर नीचे वाले में पहले टर्म में कॉस बाय कॉस वन हो जाएगा, और दूसरे टर्म में जो है साइन है वहां पर टेन हो जाएगा, बिकॉज साइन बाय कॉस इज टेन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये, देयरफॉर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टाइम्स टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टैन थीटा। देयरफॉर वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम्स टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टैन थीटा। ये तुम्हारा मिनिमम सेफ स्पीड है, बेसिकली तुम्हारी स्पीड जो होना चाहिए अगर तुमको सेफ रखना है अपनी गाड़ी को, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस मिनिमम, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस मिनिमम। आपकी स्पीड ऐसी होना चाहिए, बिकॉज ये मिनिमम स्पीड है, अगर आपने इतनी स्पीड से ना चलाया तो आप नीचे आ जाओगे, बिकॉज ऑफ आउटर एज का ऊपर होने की वजह से, बैंकिंग होने की वजह से आप नीचे आ जाओगे, आपकी गाड़ी नीचे स्लिप होके आ जाएगी और आप नहीं चाहते ये। तो इसके लिए आपको मिनिमम सेफ स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी। जनरली बैंकिंग स्मॉल रहती है, तो इसके लिए मिनिमम सेफ स्पीड मतलब बहुत स्मॉल रहती है, तो आप ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम चांस है कि आप नीचे आ पाओगे, ओके, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आप कहीं ना कहीं बच जाओगे बाय द वे। लेकिन अगर बैंकिंग ज्यादा है, जैसे कि कुछ कुछ सिनेरियोज में रहती है, तो वहां पर आप जैसे कि मौत के कुएं में जो है बैंकिंग इतनी ज्यादा रहती है, देखिए गाड़ी ऐसे चलती है, इतनी ज्यादा बैंकिंग, एंगल कितना ज्यादा बड़ा है, तो ये एक प्रॉब्लम है जहां पर आपको जो है आपकी मिनिमम सेफ स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप नीचे आ जाओगे, ओके। और यहां पर मिनिमम सेफ स्पीड काफी ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में, अगर हमने थीटा के जगह पे जीरो डाल दिया, इफ यू पुट ओके म्यू की जगह पे जीरो डालते हैं पहले, इफ यू पुट म्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी मिनिमम क्या मिलेगा हमको, वी मिनिमम मिलता है हमको रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो अगर बाय चांस कोई ऑयल आ जाए रास्ते पे, सरफेस पे, या कुछ भी आ जाए, तो भी बैंक रोड पे एक मिनिमम सेफ स्पीड है, आपको उसके ऊपर ही चलानी पड़ेगी, आप उसके ऊपर ही चलाएंगे। अगर आप उसके नीचे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी गाड़ी जो है स्लिप होके नीचे आ सकती है, ओके। दूसरी चीज, अगर थीटा जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए तो हमको हमारा बैंक रोड क्या बन जाएगा, कर्व्ड रोड बन जाएगा, बेसिकली फ्लैट कर्व्ड रोड। और हमारे को वही फॉर्मूला वापस मिलना चाहिए जो पहले मिला था। देखते हैं वी कितना हो जाएगा अगर थीटा जीरो डाल दिया हमने, तो थीटा अगर हमने जीरो डाल दिया तो वी हो जाएगा रूट माइनस म्यू आर जी। अरे ये कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे रोड पर कोई मिनिमम सेफ स्पीड है ही नहीं, मिनिमम सेफ स्पीड इस पे रूट माइनस म्यू आर जी आ रही है। तो ऐसे रोड पे, बैंक रोड पे कोई मिनिमम सेफ स्पीड नहीं है, आप बेसिकली जीरो स्पीड से रहोगे तो भी सेफ रहोगे, क्योंकि ये इमेजिनरी आ रहा है, तो इसको डिस्कस करना यहां पर कोई काम का नहीं। हाँ, इस पे एक मैक्सिमम सेफ स्पीड रहती है, जो हम देखेंगे कि मैक्सिमम के फॉर्मूले से खुद में खुद निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप, बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम मिनिमम सेफ स्पीड अलोंग अ कर्व्ड बैंक रोड, आपने पहले क्या लेना है, जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको पहले बना दो, जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसमें से फोर्सेस है नॉर्मल है हमारा, ओके, ये हमारा नॉर्मल है, जो सरफेस को परपेंडिकुलर है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एम जी वेट है जो ऑब्जेक्ट का, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है एम बी स्क्वायर बाय आर। हमने नॉर्मल को रिजोल्व किया दो डायरेक्शन में, एन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, वैसे ही म्यू एन को फ्रिक्शन को रिजोल्व किया, फ्रिक्शन ऊपर क्यों बाय द वे, क्योंकि इंपेंडिंग मोशन नीचे की तरफ है, हम चाहते हैं कि मिनिमम सेफ स्पीड रहे उसके पास ताकि वो नीचे की तरफ ना आए, उसको भी दो पार्ट में रिजोल्व किया, म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन कॉस थीटा। और उसके बाद हमने ये जरा गो थ्रू करना, थीटा हमने कैसे दिया, बहुत ध्यान से देखना इसको, मैंने एक्सप्लेन किया है।
और हमने इक्वेशंस इक्वेट किए, ऊपर के फोर्सेस को नीचे से, साइड के फोर्सेस को इस साइड से, एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस म्यू एन कॉस थीटा, इसको यहां से इक्वेट किया और ये दोनों फोर्सेस को यहां से इक्वेट किया। तो हमें जो है दो इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फिर उसके बाद हमें जो इक्वेशन आया उसको हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया, फिर हमें जो है टैन के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, हमने रूट ले ली। हमें जो फॉर्मूला आया वो मिनिमम सेफ स्पीड का था कि हमारी स्पीड इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर रोड पे कहीं आइस हो जाए या कोई चीज आ जाए या ऑयल आ जाए या कोई भी चीज आ जाए, ऑयल वाटर या कभी आइसी सरफेस हो, ठंडे रीजन्स में रोड पे अगर आइस जम जाए, तो क्या होना चाहिए कि एक मिनिमम सेफ स्पीड होती है, उस स्पीड स्पीड के ऊपर ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बैंक रोड की बात हो रही है, ओके। लेकिन एक मैक्सिमम भी है, उससे कम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बेसिकली बैंक रोड में दो स्पीड होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आपकी स्पीड जो है दोनों के बीच होना चाहिए ना, तो आप मिनिमम से कम पे चला सकते हो ना मैक्सिमम से ज्यादा पे, ओके, तब आप सेफ रहोगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो पार्ट है मैक्सिमम सेफ स्पीड का। मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। कर्व्ड बैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी रहेगी किसी भी कार की या कोई ट्रक की? आप देख रहे हैं स्पीड इंडिपेंडेंट है मास से, आप देख सकते हैं लास्ट फॉर्मूले में भी कोई मास का ये नहीं आया था कि कोई भी गाड़ी हो उसकी यही मैक्सिमम सेफ स्पीड रहेगी या यही मिनिमम सेफ स्पीड रहेगी। वापस से हम डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन अब अलग जाएगा, देखते हैं कैसे। ये हमारा कर्व्ड रोड, बैंक रोड, ये हमारी बॉडी किधर एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ वेट, नॉर्मल ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इम्पेडिंग मोशन हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ हो, क्यों? हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम सेफ स्पीड मिलेगी, इतनी स्पीड रहे ऑब्जेक्ट के पास कि वो जस्ट ऊपर ना जा सके, मतलब एक मैक्सिमम रखे। उसके ऊपर गया तो गाड़ी स्किड होके ऊपर की तरफ चली जाएगी, स्पीड से ज्यादा अगर उसने स्पीड किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि उसको बैलेंस करे, ये म्यू एन है, ठीक है। थीटा अगेन हमको देना है, हमें रिजोल्यूशन करना है, रिजोल्यूशन हम यही वही डायरेक्शन में करेंगे। ये हमारा एन का रेजोल्यूशन है ये दो डायरेक्शन में, और हमारा फ्रिक्शन का रेजोल्यूशन भी ये दो डायरेक्शन में, एक यहाँ और एक यहाँ। सो फ्रिक्शन को हम रेड में ले लेते हैं बिकॉज ये कलर थोड़ा दिखता नहीं। सो एंगल्स देने की जरा इंपॉर्टेंट जरूरत है, एंगल बराबर देना है हमें। थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये है अल्टरनेट एंगल्स। अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा, ओके। अब हम रिजोल्यूशन करते हैं जरा फोर्सेस को, इधर एन कॉस थीटा आएगा, यहां पर एन साइन थीटा आएगा, यहां पर म्यू एन साइन थीटा आएगा, क्यों? इसके साथ थीटा नहीं है, म्यू एन का इसके साथ थीटा है, और यहां पर म्यू एन कॉस थीटा। ये रेजोल्यूशन अगर आपने समझ लिया तो बस हमें इक्वेशंस को इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशंस क्या थे हमारे, नीचे के फोर्सेस ऊपर के फोर्सेस के बराबर होना चाहिए, एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन कॉस थीटा। अगर हम उसको उस तरफ भेजे तो हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू एन, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। उसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, राइट में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के बराबर रहना चाहिए, मतलब लेफ्ट के फोर्सेस से, विच इज एन साइन थीटा प्लस म्यू एन थीटा। अगर हमने एन कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन टू है, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे,
वही रखते हुए कि टू हमारा ऊपर रहे और वन नीचे रहे। पहले हमने ये इक्वेशन को टू वन लिया था, इसको टू लिया था। सो डिवाइडिंग टू बाय वन तो हमें क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस माइनस म्यू साइन। ये दोनों कैंसिल हुआ, एमएम कैंसिल हुआ, आपको मिला वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन प्लस म्यू कॉस अपॉन कॉस माइनस म्यू साइन। सो देयरफॉर वी स्क्वायर हो जाएगा आर जी टाइम्स। ओके, यहां पर हम एक काम और कर लेते हैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा भी कर देते हैं। लेट अस डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसके बाद कर लेंगे। म्यू कॉस डिवाइडेड बाय cos माइनस म्यू साइन। नाउ लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द राइट साइड बाय cos थीटा। तो देयरफॉर हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू rg मिलेगा। साइन अगर cos से डिवाइड होगा तो tan, यहां पर cos cos से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, cos cos से डिवाइड होगा 1 मिलेगा, और साइन cos से डिवाइड होगा तो tan मिलेगा। सो हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG times tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. This is our answer. ये हमारी maximum safe speed है, इस speed के ऊपर नहीं जाना है हमको, इसके नीचे ही drive करना है। अगर इस speed के ऊपर गए तो हम क्या हो जाएंगे, गाड़ी हमारी skid हो जाएगी, गाड़ी हमारी skid होके बाहर निकल जाएगी। हम चाहते हैं कि speed हमारी इससे कम रहे, हमारी safe speed इससे कम रहना चाहिए या इसके बराबर, बराबर तो मैं कहूंगा नहीं बट एक मैथमेटिकली इसके बराबर हो, फिजिकली इससे कम ही रहे, क्योंकि इसके ऊपर स्कीडिंग फॉर श्योर है और हम चाहते नहीं अपने आप को रिस्क करना, तो उसके बराबर भी हम नहीं पहुंचेंगे ताकि हम कंट्रोल ना कर सके। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो सेफ स्पीड है वो दो स्पीड के बीच में आ रही है, एक तो वो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम रहे या फिर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम मिनिमम रहे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम सेफ लिमिट में चल रहे हैं, अदरवाइज नहीं, ये हमारा सेफ लिमिट है। वन मोर थिंग, अगर इस फॉर्मूले में हम, क्योंकि हम मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल रहे हैं, अगर हमने थीटा को जीरो डाल दिया तो अनबैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड मिलना चाहिए और वो हमको वही आंसर देना चाहिए जो हमसे हमें पहले मिला था। तो हमारा जो पहला केस होगा, अगर हमने म्यू के जगह पे जीरो डाल दिए, सॉरी थीटा के जगह पे जीरो डाल दिए, तो हमें म्यू आरजी मिलना चाहिए जो हमने हमें पहले मिला था। तो हम देखते हैं, वी मैक्स इज इक्वल टू थीटा के जगह पे हमने जीरो डाला, ये देखिए, अगर आपने यहां पर थीटा के जगह पे जीरो डाला तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो, तो बचेगा ऊपर सिर्फ जीरो प्लस म्यू और नीचे वन माइनस जीरो। तो रूट आर जी टाइम्स 0 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, जो कि हमें वही फॉर्मूला मिला, वही आंसर मिला जो हमें अनबैंक कर्व रोड के लिए मिल रहा था, क्योंकि हमने 0 डाला और हमें वही आंसर मिला, हमने थीटा को 0 डाला। तो हम बेसिकली सही पाथ पे, बेसिकली हमारा डेरिवेशन सही है। अब हम एक दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं यहां पर, कि अगर हमने म्यू को जीरो कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमने म्यू को जीरो कर दिया तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर म्यू जीरो हो जाए इसके अंदर तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा, और यहां म्यू जीरो, टैन थीटा प्लस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, टैन थीटा प्लस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, दैट वुड बिकम रूट आर जी टैन थीटा। मतलब अगर हमारा रोड उस पर अगर कभी बाय चांस, कभी बाय चांस उसके ऊपर जो है आइस आ जाए या उस पर ऑयल आ जाए या रेन, रेनी सीजन हो या वाटर आ जाए, तो भी उसकी एक सेफ स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड है। अगर आप उसके नीचे ट्रैवल कर रहे हो तो आप बचे हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली हमारा जो कर्व रोड था
उसमें इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस था म्यू पे कि अगर म्यू ड्रॉप होके जीरो हो जाए ना तो वी भी ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा। अगर वी ड्रॉप होके जीरो हो गया तो आप चल ही नहीं सकते ऐसे रोड पे, आप थोड़ी भी स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, आपके पास एक स्पीड है, एक लिमिटेड स्पीड है कि आप उस रेंज में चल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर म्यू जीरो डालने के बाद भी आपको वी जीरो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप एक लिमिटेड स्पीड से चल सकते हो, तो आप सेफ हो यहाँ पर। ओके, कभी ऑयल आ जाए या कुछ हो जाए तो भी अगर आपकी स्पीड एक स्पीड से कम है, जिसको हम बेसिकली वी मैक्स बोलेंगे फॉर्मूले के लिए, तो आप बेसिकली उसके ऊपर इजीली ड्राइव कर सकते हो, आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। डिजाइनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी ब्रिज को डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, हम किसी बेसिकली बैंक रोड को डिजाइन कर रहे हैं और हम डिजाइन करेंगे उसको एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, लेकिन हम म्यू जीरो डाल के ही सेफ स्पीड लिखेंगे उसके ऊपर, मतलब ये कि हमने अगर डिजाइन किया और इसकी सेफ स्पीड है 50 और थीटा म्यू जीरो डालने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 30, तो हम जो रोड पे लिखेंगे वो ये, ताकि बंदा अगर कोई भी कारण जो है ऑयल आ जाए कुछ भी हो जाए तो बंदा इसके अगर नीचे चला रहा है तो सेफ है, बंदा इसके नीचे सेफ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मतलब ये कि अगर एक रोड पे हूं मैं, कर्व रोड पे, और वहां पर स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सेफ स्पीड है 30, और मैं ड्राइव कर रहा हूं 25 से, अचानक से अगर कुछ हो गया और सेफ स्पीड 10 हो गई, म्यू उसके ऊपर जो है बेसिकली बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ ऑयल समथिंग, और मैं 25 से अगर ड्राइव कर रहा हूं तो क्या होगा, मैं स्कीड हो जाऊंगा, मैं बाहर की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन वही अगर मेरे रोड की सेफ स्पीड है 50, लेकिन 50 लिखा नहीं है उसने, उसने लिखा है 30, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा है म्यू जीरो डाल के, ताकि और कम लिखूं मैं रोड पे, ताकि बंदा जो है ना उससे भी कम पे ड्राइव करे। अब बंदा ड्राइव कर रहा है 25 से, क्या होगा फिर? अगर कभी म्यू जीरो भी हो जाता है तो 50 से 30 स्पीड हो रही है, और बंदा 50 में भी सेफ था, 50 से कम है, और 30 में भी सेफ है, 30 से कम है, तो उसकी गाड़ी स्किड होगी? इट विल नॉट स्किड, सेफ है एकदम। यस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सोचिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा खत्म होता है यहां पर, और अब हम चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली वॉल ऑफ डेथ का, तो मुझे पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, बट चलो भी कर लेते हैं। वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ जो भी बोलो, मौत का कुआं। अगर आप मौत के कुएं को देखो तो मौत के कुएं में बैंकिंग ही होती है बेसिकली, इसीलिए मैंने बाद में पढ़ाया, जबकि बुक में इसको पहले ही दिया गया है, क्योंकि बैंकिंग ही होती है मौत के कुएं में। लेकिन ये है कि अगर आपकी बैंकिंग लाइक 90 डिग्री पे हो जाए तब तो भाई डिफिकल्ट है। हम देखेंगे कैसे मौत के कुएं के फॉर्मूले को हम इजीली बैंकिंग से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ भूल जाओ पहले का, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक कुआं, सिलेंडर बेसिकली, ओके, और गाड़ी बेसिकली सिलेंडर में गोल घूम रही है, यहां पर है, और ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है। क्या फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं? बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है mv2/r, नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है mg। अब क्योंकि इंपीडिंग मोशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तो ऊपर की तरफ उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा, फ्रिक्शन म्यू एन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर है एक, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सरफेस के ऊपर है ये, और वो सरफेस बेसिकली सरफेस को पुश कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो सरफेस उसको नॉर्मल देगा ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ सरफेस उसको नॉर्मल दे रहा है, और होना ये चाहिए कि
कि अगर ये नॉर्मल इक्वेट किया जाए एमबी स्क्वायर बाय आर के साथ में, तो कैंसल आउट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमबी स्क्वायर बाय आर की वजह से ही नॉर्मल क्रिएट हो रहा है। अगर एमबी स्क्वायर बाय आर नहीं होता, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं एक्ट करता, तो वो नॉर्मल कभी नहीं क्रिएट करता, बिकॉज वेट तो नीचे की तरफ है, वेट से तो कोई लेना देना नहीं है। अभी नॉर्मल कब क्रिएट होता है? जब प्रेशर के ऊपर सर्फ फोर्स लगाया जाए, जब सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया जाए, सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी फोर्स। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जो बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, और इस सिलेंडर के सरफेस पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसको न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, थर्ड लॉ के हिसाब से अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है एन। अब हम दोनों को इक्वेट करते हैं। यहां पर एक मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड से उसको ड्राइव करना है। अगर उसने वो स्पीड से ड्राइव नहीं किया तो वो नीचे फिसल के आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर स्पीड उसकी कम रही तो उसको नॉर्मल कम मिलेगा, नॉर्मल कम मिलेगा तो म्यू एन कम रहेगा, एमजी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमने उसकी एक मिनिमम सेफ स्पीड पता करना है, ताकि वो आसानी से उसके ऊपर सर्कल्स चक्कर मार सके सर्कल्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं एन को एमबी स्क्वायर बाय आर के साथ में, बिकॉज दोनों फोर्सेस बराबर होना चाहिए डायरेक्शन में, क्योंकि ना तो वो अंदर जा रहा है ना तो वो बाहर आ रहा है, मतलब रेडियली अंदर नहीं, रेडियली बाहर नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस पे वो घूम रहा है। और दूसरी बात, दूसरा जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसको इक्वेट करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस है म्यू एन, उसको हम एमजी से इक्वेट करते हैं। अब हम उठा के सब्स्टिट्यूशन यहां से कर देते हैं इसके अंदर एन का, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर म्यू टाइम्स एमवी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एमजी। अगर हम एम को कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी बाय म्यू, हमने म्यू को नीचे ले लिया। सो देयर फोर वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। तो ये हमारी स्पीड है, इतनी स्पीड के ऊपर ही हमको ड्राइव करना है, ये हमारी मिनिमम स्पीड है। अगर इसके नीचे ड्राइव किया तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे, हमारी जो स्पीड होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए। हमारी सेफ स्पीड जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस मिनिमम स्पीड, तभी हम सेफ रह पाएंगे इसके नीचे, वरना नीचे आ जाएंगे। तो जो बंदा बेसिकली मौत के कुएं में गोल गोल घूमता है, गाड़ी को घुमाता है, वो अपनी गाड़ी को एक सेफ स्पीड पे रखता है जो कि इस मिनिमम स्पीड से ज्यादा होती है। हाँ, वो ये एक्सपीरियंस से सीखता है, कैलकुलेशन से नहीं, लेकिन हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कोई सुपरस्टिशन या कोई फिक्टिशियस चीज नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हो वो वैल्यू, कि कितनी वैल्यू से उसको चलाना चाहिए कि वो सेफली बेसिकली ड्राइव कर सकता है विदाउट फॉलिंग। और अगर ये वेलोसिटी से वो ड्राइव कर रहा है तो वो सेफ है, विदाउट फॉलिंग वो ड्राइव कर सकता है। ठीक है, बाय द वे इसके लिए कोई मैक्सिमम सेफ स्पीड नहीं है, इसमें सिर्फ एक मिनिमम सेफ स्पीड है जिसके ऊपर इसको चलाना है, मैक्सिमम इसके अंदर नहीं है। आप कितनी भी स्पीड से चलाओ, आप बेसिकली कुछ होने वाला नहीं आपको, तो आप नीचे नहीं आने वाले बाय द वे। ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका नॉर्मल बढ़ जाएगा, और अगर आपका नॉर्मल बढ़ेगा तो आपका म्यू एन बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ आप बेसिकली पुश होगे, नीचे की तरफ नहीं जाओगे। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो ये मौत का कुआं क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है नहीं। एक्चुअल मौत का कुआं तो थोड़े एंगल पे रहता है, बट उसका फिजिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग उसको डील नहीं करते, वरना उसको आप डील कर सकते हो बैंकिंग के कंसेप्ट से, मगर हम उसको डील नहीं करेंगे, ना हमारे बुक में है वो। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप एक बार गो थ्रू करो, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।